तो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू द डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास पेज नंबर 318 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 9। इफ अ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस अ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 exponent -7 meter एट एन एंगल ऑफ 20 degree फ्रॉम द नॉर्मल, वॉट इज इट्स स्पेसिंग एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइन्स पर मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमसे पूछा गया है कि डी फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ लाइंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं। वेवलेंथ हमें गिवन है 6 exponent -7 meter, एम आपके पास 1 है, एंगल हमारे पास 20 डिग्री है, फाइंड आउट हमें डी करना है एंड नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला है हमारे पास एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। एम की वैल्यू हमारे पास 1 है, लैम्डा की वैल्यू 6 exponent -7 है और थीटा हमारे पास 20 डिग्री है। तो एम की जगह हमने 1 रख लिया, लैम्डा की वैल्यू हमने रखी 6 exponent -7 इज इक्वल टू डी साइन 20 डिग्री। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 6 exponent -7 meter डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू डी। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास आंसर आ रहा है डी का 1.75 exponent -6 meter, ये आपके पास आ गया डी। नाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर। तो एज वी नो दैट डी इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लाइंस, एन को हम यहाँ पे लेके चले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बराबर हो जाएगा एल अपॉन डी। तो सबसे पहले हम इसको मीटर के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपके पास एन का फॉर्मूला आ जाएगा 1 divided by 1.75 exponent -6। तो आपके पास आंसर आएगा 5700 33.57 लाइंस पर मीटर। अब अगर मुझे इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5700.03 लाइंस पर मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। यह आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आपने यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवा दिया, इसके बाद सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड ही है और इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने ये फार्मूला यूज़ किया है एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो आपके पास ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी और डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग भी। इंशाल्लाह आप एक दो क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर से रिलेटेड करेंगे, इसके बाद जो है फिर नए टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो
तो अब हम इंशाल्लाह यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के पास पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और पास पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब के लिंक में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप उसके अंदर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देखिएगा, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है और जो कि 2016 के अंदर भी आया है। क्वेश्चन नंबर 9 2016 में आया है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 बुक का किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ द स्लिट इज 1.9 मिलीमीटर एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज 0.31 मिलीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, फाइंड द वेवलेंथ। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि कल हमने बुक का क्वेश्चन किया था। तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं, बिल्कुल इसी के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 8। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 2012 के अंदर आया है ये क्वेश्चन। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 8 फ्रिंज एक्यूपाई 2.62 मिलीमीटर ऑन द स्क्रीन 145 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 545 नैनोमीटर, फाइंड द स्लिट सेपरेशन। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो आपके पास डेटा में नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो आपको गिवन है वो 8 है। इसके बाद जो डेटा है आपके पास n डेल्टा y, ये आपको गिवन है 8 डेल्टा y आपको गिवन है 2.62 मिलीमीटर। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.62 माइनस 3 मीटर। आपके पास लेंथ गिवन है 145 मिलीमीटर, इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1000 से डिवाइड करेंगे 145 माइनस 3 मीटर। और वेवलेंथ आपको गिवन है 545 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 545 को एक्सपोनेंट माइनस 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर के अंदर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेपरेशन ऑफ द स्लिट यानी कि डी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डेटा के अंदर डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा 2.62 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 मीटर। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा वाई आ जाएगा 2.62 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर आएगा आपके पास 3.275 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी। आपने डी फाइंड आउट करना है तो डी यहाँ पर आ जाएगा लेमडा एल अपॉन डेल्टा वाई। डी इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू है 545 एक्सपोनेंट माइनस 9, लेंथ आपके पास है 145 एक्सपोनेंट माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई की वैल्यू है आपके पास 3.275 एक्सपोनेंट माइनस 4। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में। एक्सपोनेंट माइनस 4, तो आपके पास आंसर आ रहा है
2.41 exponent minus 4. ये आपके पास d की वैल्यू आ गई. अब दूसरा जो पास पेपर का क्वेश्चन है रिलेटेड टू द डिफ्रैक्शन. तो डिफ्रैक्शन के अंदर आप अगर अपने पास फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि 2019 और 2017 में आया है. तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 10 2019 एंड 2017. क्वेश्चन क्या है? अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल. What is the grating element? Calculate the number of lines of grating per centimeter. तो हमें m given है, wavelength हमें given है और angle हमें given है. हमें d find out करना है और number of lines find out करनी है. तो हम यहाँ पे पहले data बना लेते हैं इसका. तो आपके पास जो m की value है वो 3 है, lambda की जो value है वो 7000 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर और एंगल आपके पास है 30 डिग्री. आपने फाइंड आउट क्या करना है? ग्रेटिंग एलिमेंट यानी डी और नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर. तो डिफ्रेक्शन का फॉर्मूला हमें पता है, एम लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा. यहां पे सबसे पहले हम डी को फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा एम लेमडा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू डी. एम की वैल्यू आपके पास 3 है, लेमडा की वैल्यू है 7000 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाई साइन आपके पास 30 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी. तो डी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं हम. 3 × 7000 एक्सपोनेंट माइनस 10 डिवाइडेड बाई साइन 30. तो आपके पास वैल्यू आ रही है 4.2 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर. ये आपके पास आ गया ग्रेटिंग एलिमेंट. अब आपने नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करनी है. तो डी का हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस. तो नंबर ऑफ लाइंस को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एल अपॉन डी. सबसे पहले हम एल को 1 मीटर कंसिडर करेंगे, इसके बाद हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4.2 एक्सपोनेंट माइनस 6. तो आपके पास आंसर आ रहा है 2380.95.23 लाइंस पर मीटर. अब अगर मुझे इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूंगा. तो n हमारे पास आ जाएगा 2380.95 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो हो जाएगा 238.123 लाइंस पर सेंटीमीटर. ये आपके पास आ गया n.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि 2010 और 2014 में आया है, और क्वेश्चन है ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम इज डायफ्रेक्टेड बाय अ ग्रेटिंग 200 लाइंस पर सेंटीमीटर, कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर इमेज इज 10 ऑर्डर इमेज इज पॉसिबल। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। वेवलेंथ हमें गिवन है 5400 एंगस्ट्रॉम, तो ये बराबर हो जाएगा 5400 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। नंबर ऑफ लाइंस आपको गिवन है 2000, लेंथ 1 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर। एम आपके पास दो गिवन है, एक ए पार्ट में जो कि 3 के बराबर है, दूसरा बी पार्ट के लिए जो कि एम बराबर हो जाएगा 10 के। आपने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें आपने थीटा 3 फाइंड आउट करना है, और इसमें आपने बताना है कि थीटा 10 पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी बराबर होता है एल अपॉन एन के, एल की वैल्यू हमारे पास है 1 एक्सपोनेंट माइनस 2 और एन की वैल्यू है 2000, तो आपके पास आंसर आएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर। ये आपके पास आ गया डी। हमारे पास फॉर्मूला है एम लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, आपने थीटा फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा अपॉन डी। डी की वैल्यू को हमने यहाँ नीचे ले जाके डिवाइड करवा दिया, हमें क्योंकि थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एम लेमडा अपॉन डी। अब हम यहाँ पे अगर m की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ थीटा 3 आ जाएगा, और अगर हम यहाँ m की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहाँ पे थीटा 10 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम a पार्ट के लिए m की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो आपके पास थीटा 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 5400 एक्सपोनेंट माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट माइनस 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ रहा है थीटा 3 का 18.9 डिग्री, तो ये आपके पास आंसर आ गया थीटा 3। अब हम बी पार्ट के अंदर ये चेक करेंगे कि 10th ऑर्डर इमेज इज पॉसिबल और नॉट। तो फॉर्मूला हमें पता है थीटा 10 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एम की जगह 10, लेमडा की जगह 5400 एक्सपोनेंट माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट माइनस 6। और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है साइन इनवर्स 1.08, इट मींस कि थीटा 10
इज नॉट एम टेन इज नॉट पॉसिबल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये यहाँ पे आएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन की वैल्यू वन से बड़ी नहीं होती और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो वन से ग्रेटर आ रही है, तो यहाँ पे आपके पास एंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपके दोनों टॉपिक हो गए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, और इसके मैंने कोशिश करी एक दो पास पेपर के भी क्वेश्चंस करा दूं, और नीचे जो लिंक के अंदर आपको चैप्टर नंबर 9 के पास पेपर के जो क्वेश्चंस गिवन है उसमें से अगर आप सॉल्व करें और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस क्वेश्चन का रेफरेंस दे के सवाल पूछ सकते हैं, और वीडियो में भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप वो भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।